हाय रियल अनर्स, वेलकम बैक टू वाग्देव ट्यूटर। आम अभ्यास कार्य 3.2 रो प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करूँ। आम ऑलरेडी पूर्व क्लास 2 रे 6 नंबर पर्यंत आलोचना कर देछे। ए क्लास में 7 नंबर थर आलोचना करवा। जो पिलाने से क्लास गुड़ी देखी ना सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्ले लिस्ट लिंक मिल जाव। से प्ले लिस्ट भितर जाके तुम से क्लास गुड़ देखिपर एवं एथस तुम्हें तुम सप्तम श्रेणी गणितर सबू अध्यायर सबू अभ्यास कार्यर भिडियो गुड़ी से ही प्ले लिस्ट भितर देखिपर बुझेगा। तो चलो डेन करी क्लास को आरंभ करवा। प्रथम देख आमर दे 7 नंबर कौन ना निम्न डिग्री परिमाण गुड़िक मध्य जो जोड़ी गुड़िक अनुरूप कोणर परिमाण ओ सॉरी जो ना के जोड़ी गुड़िक अनुरूप कोणर परिमाण आयो जोड़ी गुड़िक परिपूरक कोणर परिमाण सूचना चिन्ह कर। देख मु लिखी देख अनुरूप परिपूरक मतलब गोटे कथा कह अनुरूप कोण कौटा अनुपूरक कोण है जो कोण दुटा मिसिक 90 डिग्री होतिबो परिपूरक कोण है जो दुटा मिसिकी जो कोण दुटा मिसिकी जो कोण दुटा परिमाण मिसिकी 180 डिग्री हे कहते परिपूरक कोण जो कोण दुईटर परिमाण मिसी 90 डिग्री हे कहते अनुरूप कोण बुझेगा। कथा देख अनुरूप यदि आम अनुरूप देखा देख ये खटा ये दुटा मिसले हम तेनाली ख लिखीदेली तापर आउ गोटे हम यहाँ हम घ हम घ लिखीद तापर च हम च लिखीद तापर हाँ हाथी हम आकी जहाँ रहा जमीक कहलापर कपर ग बुझेगा तापर एवं तापर छपर ज एटा जीक मिसिक अनुरूप सरी उल्टा लिखीदे लिखी परिपूरक रहा अनुपूरक रहा परिपूरक बुझेगा परिपूरक परिपूरक कौन है गुड़िक अनुरूप अनुरूप कौन है गुड़िक बुझेगा ठीक है। तापर देखिए आम 8 नंबर कौन दे 8 नंबर देखिए जो कोणटी निजर परिपूरक से कोणटर परिमाण के से कोणटर परिमाण हम 90 डिग्री जे कोण निजर परिपूरक को कौन निजर परिपूरक 90टा केवल निजर परिपूरक क्या 90 90 मिसले 180 हो बुझेगा क्लीयर अति 90 डिग्री हम जो कोणटी निजर अनुपूरक से कोणटर परिमाण के 45 डिग्री क्या 45 45 मिसले ही आम 90 डिग्री हो बुझेगा क्लीयर अति ओके। दुईटी परस्पर परिपूरक कोण मध्य गोटे कोणर परिमाण 10 डिग्री अधिक कर दिगला ओके। दुईटा परस्पर परिपूरक कोण मध्य मैंने दुईटा कोण मिसिक 180 डिग्री होता से गोटे कोणर परिमाण कौन होगा 10 डिग्री अधिक हो गला ओके। अन्य कोणर परिमाण कि परिवर्तन कले नूतन कोण दुईटी मध्य परस्पर परिपूरक ना देख टे भल बुझ दुईटा कोण थे दुटा कोण कौन है धर ए गोटे कोण बी गोटे कोण ये दुटा मिसिक 180 डिग्री मैंने परस्पर परिपूरक कौन थे जी आम गोटे कोण को 10 कौन करवा माइनस करदे तेल आउ गोटे कोण कोण से आम जब परिवर्तन करवा से दुटा परस्पर परिपूरक है तमें कौन देख जब गोटे 10 कमेद जब आउ गोटे 10 मिसाई देवा तेल जा दुटा पुणी थे परस्पर परिपूरक हो बुझेगा तो लिख दुईट परिपूरक कोण मध्य गोटिकर परिमाण को जब आम 10 बढ़ाई देवा तेल अन्य कोणर परिमाण कौन हो 10 कमीज बुझेगा तेनालीहेतु यठार आम 10 डिग्री अधिक करमक 10 डिग्री कौन कर माइनस कर फेड़ जदि 10 डिग्री फेड़ा तो दुटा आउ थे परस्पर परिपूरक हो पारे बुझेगा ओके। तो देखा 10 नंबर 10 नंबर कहीं देख भल भाव गोटे परस्पर परिपूरक होता दुईट कोण मध्य उभय कोण देख किसी प्रश्न देखिए दुटा कोण परस्पर परिपूरक होते हैं सूक्ष्म कोण हो पारे कि मैंने दुटा जदि दुटा जदि दुईट कोण परस्पर परिपूरक होते हैं से दुईट कोण सूक्ष्म कोण हो पारे कि ना सूक्ष्म कोण हो पारे ना बुझेगा ना हम स्थूल कोण हो पारे कि ना ना स्थूल कोण भी हो पारे ना तापर से दुटा कोण मिसिकी समकोण हो पारे कि ना हाँ समकोण हो पारे जो दुटा परस्पर परिपूरक होते ठीक हे गोटे सूक्ष्म अंट समकोण हो पारे कि ना गोटे सूक्ष्म कोण आ गए समकोण हो पार ना बुझेगा कहीं गोटे जब सूक्ष्म कोण हूँ 90 रु कम आ गए समकोण है 90 तेणु दुटा मिसिकी भी 180 डिग्री हेबे बुझेगा भूल हम तेरे वाटा देला जो गोटे सूक्ष्म अंटे स्थूल कोण हो पारे कि ना हाँ हो पार कहीं जब गोटे 130 आ गए स्थूल कोण नहीं जा
ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କ'ଣ ହେଲା 130 ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ର କ'ଣ ହେଲା 50 ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ବା ହଁ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତା ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମର ନଅ ଯେଉଁ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ପରିମାଣ ଅନ୍ୟଟିର ପରିମାଣର 5 ଗୁଣ। ଓକେ, ଦୁଇଟା ପରିମାଣ ଦୁଇଟା କୋଣ ଅଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ଯଦି 1 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଅନ୍ୟଟା 5 ଗୁଣ ମାନେ 5x ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମିଶାଣ 5x ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, ତାମାନେ ଏକ୍ସ 5x ମିଶିଲେ 6x, 6x 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ ଏଇ 6ଟା ପୁଟ ଗଲେ ହରି ହେଇଯିବ, କାଟିଲେ 36 18 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏକ୍ସ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏଇଟା ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ବଡ଼ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5 × 30 ସମାନେ 150 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଇଯିବ ଆମର 150 ଡିଗ୍ରୀ। ଆନ୍ସର କ୍ଲିଅର? ଓକେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ଅନ୍ୟଟିର 4 ଗୁଣ ହେଲେ, ଧର ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 4x ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ କୋଣ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଓକେ, ଦୁଇଟା ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା? ତା ମାନେ 4x 5x ମିଶିଲେ 4x ଆଉ ଏକ୍ସ ମିଶିଲେ 5x ହେଇଯିବ। 5x ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ହେବ ନା 90/5 କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 18 95 18 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଯଦି ଏକ୍ସ 18 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର 18 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 4 କୋଣ, ଏକ୍ସ ଏହାର 18 ଡିଗ୍ରୀ ପକେଇ ଦିଏ, 18 ଯୋଗ କେତେ 72 ଡିଗ୍ରୀ, 72 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 72 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାଏଁ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଣୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଯଦି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।